Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए मलबार सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मल्हार सरकार का दरबार है और खंडे राव की मौजूदगी वहां पे जरूरी है, जो उन्होंने गुन्नू जी को बोला और गुन्नू जी को कहा कि खंडे राव को बता देना कि आज दरबार आना बहुत ही जरूरी है। मगर गुन्नू जी अपनी स्कीम में, अपने प्लान में कि वो खंडे राव को कुछ और बताएंगे, कि बिल्कुल उनको आश्वस्त करेंगे तुम अपना पिता धर्म निभाओ, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा, ये करके गुन्नू जी दरबार में पहुंच गए। और दरबार में क्या हुआ ये हम सब ने देखा, और मल्हार सरकार क्या देख रहे थे वो भी हमने देखा। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दरबार में होना कितना जरूरी है ये हमें समझ में आया, क्योंकि जब मल्हार सरकार को हम देख रहे थे, जब गुन्नू जी अपनी योजनाओं को बता रहे थे, यानी कि जो योजनाएं उन्होंने अपनी मोहर के साथ अपनी बनाई हैं और जिन्होंने बनाई है उनको थोड़ा सा क्रेडिट देके बाकी सारा क्रेडिट खुद ले रहे थे, तो मल्हार सरकार देखते ही रह गए। उसी से ये समझ में आ रहा था कि एक तो मल्हार सरकार को खंडे राव पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि खंडे राव ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, और पूछा भी उन्होंने गुन्नू जी से कि मेरा संदेश दिया था, तो गुन्नू जी ने कहा हाँ हाँ मैंने दिया था। उसके बाद उनका गुस्सा और बड़ा होगा कि फिर भी खंडे राव दरबार में मौजूद क्यों नहीं है, क्यों, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये जो योजनाएं हैं, अहिल्या देवी जिस तरह जब भी सोचती हैं वो जरूर मल्हार सरकार से डिस्कस करती हैं। जैसे कि उन्होंने पहले योजना बनाई थी जिसमें रेणुका जो विधवा थी उनको इंसाफ दिलाना था, कानून में संशोधन करना था, तो उन्होंने पहले ही मल्हार सरकार को बताया था। अब ये योजना भी मल्हार सरकार को पता होगी और किसने बनाई है, कितनी मेहनत हुई है, ये भी उनको पता है। मगर जब दरबार में उस गद्दी पे बैठते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्याय करना है, जो सामने है उसके हिसाब से फैसला देना है, और दरबार का बहुमत गुरु जी के साथ है, तो मल्हार सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ जानते थे वो, मगर कुछ नहीं कर पाए। टालना भी वहां पे गलत लगता था, क्योंकि अगर टालते तो दरबार में यही होता कि अपने बेटे की साइड ले रहे हैं, और ये मल्हार सरकार कभी होने नहीं देते। तो ये जो हुआ है ये खंडे राव की बड़ी गलती की वजह से, इस बार हमने देखा कि मल्हार सरकार फिर से असहाय फील कर रहे थे कि मैं करूं तो क्या करूं, फैसला तो देना ही पड़ेगा। और गुन्नू जी ने अपनी ये जो योजना पाके अपने आप को एक उस लेवल पे लेके गए हैं कि अब मेरी जो है जीत की सीढ़ियां जो है आनी शुरू हो गई है, अब मैं जीतता जाऊंगा और कैसे खंडे राव को पीछे और खुद को आगे लेके जाऊंगा। तो ये है दोस्तों गुन्नू जी का जो है फुल प्रूफ प्लान, जिसमें अपने मल्हार सरकार भी कुछ नहीं कर पाए। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.